नमस्कार, मैं हूं अनुष्का और स्वागत है आपका बिहारी न्यूज में। चलिए बढ़ते हैं आज शाम तक की बड़ी खबरों की ओर। सर्द का सितम जारी, 27 जनवरी तक रहेगा येलो अलर्ट। राज्यभर में मौसम विभाग ने आने वाले 2-3 दिनों तक येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार उत्तर पश्चिम दिशा से आने वाली बर्फीली हवाओं के कारण शाम को कपकपी बढ़ेगी और घने कोहरे जैसी स्थिति बनी रहेगी। पूर्णिया, भागलपुर, मधुबनी में पारा लुढ़कने से कोल्ड डे की स्थिति रहेगी। वहीं पटना, गया, नालंदा सहित कई जिलों में तापमान में कुछ बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार गणतंत्र दिवस दिन राज्य के अधिकतर भागों में घना कोहरा रहेगा। संविदा कर्मियों की मानदेय का होगा हर एक वर्ष पुनरीक्षण। सरकारी दफ्तरों में संविदा पर काम कर रहे कर्मियों की मानदेय का प्रत्येक वर्ष पुनरीक्षण किया जाएगा। आने वाले समय में संविदा पर बहाल कर्मियों को लाभ देने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने एक नया संकल्प जारी किया है। इसके अनुसार पुराने और नए संविदा कर्मियों को कई अतिरिक्त और बेहतर सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी। साथ ही नए संकल्प में पहले से मिल रही सुविधाओं में भी कोई कटौती नहीं की गई है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का क्षेत्रीय कार्यालय जल्द पूर्णिया में भी। 28 जनवरी को उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद के हाथों पूर्णिया को प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की बड़ी सौगात मिलने वाली है, जिससे पूर्णिया समेत सीमांचल के 4 जिलों में चलने वाले सैकड़ों कल कारखाने एवं ईंट भट्टों के द्वारा फैलाए जाने वाले प्रदूषण पर नकेल लग पाएगी। इसको लेकर बियाडा में 10,000 स्क्वायर फीट जमीन आवंटन का काम पूरा किया जा चुका है। इस जमीन पर कार्यालय के निर्माण कार्य का शिलान्यास भी अब जल्द ही होने वाला है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि पूर्णिया में इस कार्यालय के खुल जाने से लोगों को काफी सहूलियत मिलने वाली है। उन्हें पटना कार्यालय के चक्कर लगाने की अब कोई भी जरूरत नहीं होगी। इतना ही नहीं, अब यहाँ पर लेबोरेटरी भी होगी। इससे प्रदूषण के स्तर की जांच भी आसानी से हो सकेगी। इसके साथ ही शिकायत मिलने पर नमूना संग्रह का काम भी किया जा सकेगा। संजय झा की बनी फेक आईडी, सोशल मीडिया पर जालसाजों की कोई कमी नहीं है। आए दिन कोई न कोई इस जालसाजी का शिकार होता ही रहता है। इसी क्रम में अब जदयू के राष्ट्रीय महासचिव और पूर्व मंत्री संजय झा के नाम पर भी फेक फेसबुक अकाउंट का संचालन किया जा रहा है। इसकी खुद जानकारी संजय झा ने दी है। इतना ही नहीं, लोगों को उन्होंने अपनी आईडी से किए जा रहे पोस्ट से सतर्क रहने की भी नसीहत दी है, जिसको लेकर उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा है कि कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा मेरे नाम व तस्वीर का इस्तेमाल कर फेसबुक पर फेक अकाउंट चलाया जा रहा है। अनुरोध है कि ऐसी संदिग्ध गतिविधियों की सूचना मुझे दे और सिर्फ मेरे ऑफिशियल फेसबुक पेज facebook.com/sanjayjha.jdu/ से जारी पोस्ट और मैसेज पर भरोसा करें। इतना ही नहीं, उन्होंने अपने इस ट्वीट में @BiharPolice को भी टैग किया है। लालू यादव को लेकर आज जारी हो सकती है मेडिकल बुलेटिन। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव की तबीयत कुछ दिनों पहले काफी ज्यादा खराब हो गई थी, जिसके बाद उन्हें दिल्ली के एम्स में भर्ती करवाया गया था। हालांकि अब डॉक्टरों की माने तो उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है, जिसके बाद आज उनके हालत को लेकर मेडिकल बुलेटिन जारी होने की संभावना भी जताई गई है। इससे पहले बीते दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी लालू यादव के जल्द ही स्वस्थ होने की कामना की थी। वहीं उनके बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने भी हाल ही में सोशल मीडिया पर लालू यादव की बिगड़ती सेहत को लेकर उन्हें रिहा करने संबंधी कैंपेन भी जारी किया गया, जिसके तहत लालू यादव को जल्द से जल्द रिहा कराने की मांग की गई है। बिहार कला पुरस्कार से नवाजे जाएंगे बिहार के कलाकार। बिहार सरकार के कला संस्कृति विभाग की तरफ से हर 4 साल में कला के विभिन्न विधाओं में 24 कलाकारों को सम्मानित किया जाता था। हालांकि साल 2018 से ही कलाकारों की इस योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा था। हालांकि इस बार यानी कि साल 2021 में कुल मिलाकर 37 कलाकारों को बिहार कला पुरस्कार से नवाजा जाएगा। इसको लेकर कला संस्कृति ने अपनी तैयारी भी शुरू कर दी है। राजधानी पटना के ज्ञान भवन में अब 30 जनवरी को विभाग की तरफ से कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जिसमें कलाकारों को सम्मानित किया जाना है। इस बाबत कला संस्कृति निदेशालय के निदेशक अनिमेश कुमार पराशर ने बताया है कि साल 2018-19 और 2019-20 के लिए 37 कलाकारों को सम्मानित किया जाएगा। आज बिहारी बर्थडे स्पेशल में हम बात करेंगे विशाल आदित्य सिंह की। विशाल आदित्य सिंह का जन्म आज ही के दिन साल 1989 में हुआ। विशाल आदित्य सिंह एक भारतीय टेलीविजन अभिनेता है, जिन्हें कुल्फी कुमार बाजेवाला में तेवर सिंह को चित्रित करने और नच बलिए 9 और बिग बॉस 13 में भाग लेने के लिए जाना जाता है। हालांकि इन दोनों शो के दौरान विशाल आदित्य सिंह ने काफी सुर्खियां बटोरी थी, जहां उन्होंने अपनी कथित गर्लफ्रेंड मधुरिमा के साथ काफी कंट्रोवर्सी का भी सामना करना पड़ा था। डीजीपी ने सभी जिलों के एसपी को भेजी चिट्ठी। बिहार में बड़े अप्रिय वाक्यों को लेकर सरकार को काफी निंदा का सामना करना पड़ा है। हालांकि बिहार में अपराध को नियंत्रण में लाने के लिए सरकार भी हर संभव कोशिश करती दिखाई दे रही है। इतना ही नहीं, बिहार में बिगड़ी व्यवस्था को लेकर सरकार भी विपक्ष के निशाने पर आ गई है, जिसको देखते हुए ही साथ ही अपराध पर नियंत्रण लगाने के लिए डीजीपी एसके सिंघल ने अपना बयान जारी किया है। साथ ही उन्होंने सभी जिलों के पुलिस अधीक्षकों को भी दिशा निर्देश जारी कर दिया है, जिसके तहत उन्होंने कहा है कि विशेष अभियान चलाकर अपराधियों की हर हाल में गिरफ्तारी सुनिश्चित करवाई जाए।
इतना ही नहीं, अब तक पकड़े गए अपराधियों को लेकर भी उन्होंने सभी की समीक्षा करने की बात कही है। स्मार्ट मीटर बिजली उपभोक्ताओं को रिचार्ज नहीं करने पर देना होगा रिकनेक्शन चार्ज। स्मार्ट प्रीपेड मीटर को समय रहते रिचार्ज नहीं कराने के बाद डिस्कनेक्शन होने की सूरत में फिर से कनेक्शन करवाने में आपको अपने जेब ढीले करने पड़ेंगे। बिहार विद्युत विनियामक आयोग इस देय राशि को तय करेगी। प्रीपेड मीटर में हर दिन के खपत के अनुसार ही पैसे कटेंगे और रिचार्ज खत्म होने पर दो नोटिस के बाद आपका मीटर डिस्कनेक्ट हो जाएगा। इसे फिर से शुरू करने के लिए रिचार्ज के साथ ही अतिरिक्त शुल्क भी देना होगा। फिलहाल मौजूदा मीटर में डिस्कनेक्शन होने के बाद 118 रुपये जुर्माने का प्रावधान है। आम बजट में सात निश्चय पार्ट टू के लिए भी रहेंगे प्रावधान। बिहार को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में अब सात निश्चय योजना पार्ट टू के लिए भी आगामी आम बजट में राशि के प्रावधान होंगे। सात निश्चय पार्ट टू की योजनाओं पर इसी वर्ष से काम भी शुरू हो जाएगा। जदयू मुख्यालय में आयोजित कर्पूरी ठाकुर जयंती समारोह में सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि योजना के लिए बजट बनाए जाने से बिहार को आत्मनिर्भर बनाने की राह आसान होगी। जल्द से जल्द विकास कार्यों को पूरा किया जाएगा। इस साल सप्लीमेंट्री बजट भी लाई जाएगी। शादी के बंधन में बंधे वरुण और नताशा। वरुण धवन और नताशा दलाल ने बीते दिन एक दूसरे से शादी कर ली, जिसकी जानकारी खुद वरुण ने दी है। दोनों की शादी की पहली तस्वीर भी सामने आई है। वरुण धवन ने इंस्टाग्राम पर शेयर किया है जिसमें वह पत्नी नताशा के साथ नजर आ रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि वरुण और नताशा की शादी अलीबाग के द मैंसन हाउस में हुई है। फोटो में वरुण धवन और नताशा सिल्वर आउटफिट में नजर आ रहे हैं। तस्वीर में वरुण और नताशा के पीछे डेविड धवन और लाली को भी देखा जा सकता है। वरुण ने इस फोटो को इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, जीवन भर का प्यार आधिकारिक हो गया। सोशल मीडिया पर यह तस्वीर जमकर वायरल हो रही है, जिसके बाद फैंस भी कमेंट कर उन्हें शादी की बधाइयां दे रहे हैं। अश्विन ने विराट और रहाणे की कप्तानी को लेकर दिया बयान। विराट कोहली के स्वदेश वापसी और अजिंक्य रहाणे की कप्तानी को लेकर काफी चर्चा हुई है। वहीं इसी बीच अब इसको लेकर आर अश्विन ने भी अपना बयान जारी किया है, जिसके तहत उन्होंने कहा है कि रहाणे ने टीम इंडिया की 5 टेस्ट मैचों में कप्तानी की है और विराट कोहली ने उससे बहुत ज्यादा मैचों में, तो सबसे बड़ा फर्क तो यही है। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि कैसे लोग कप्तानी को लेकर तुलना कर रहे हैं। महेंद्र सिंह धोनी और विराट कोहली की कप्तानी स्टाइल अलग थी। लोग इस बारे में इसलिए बात करते हैं क्योंकि इनसे हेडलाइंस बनती है। उन्होंने आगे कहा कि मैं जिस भी कप्तान और उपकप्तान के अंडर खेला हूं, सभी बहुत सपोर्टिव रहे हैं। लीडरशिप का मतलब है कि आप किस तरह से खुद की अगुवाई करते हैं और किसी भी परिस्थिति का कैसे सामना करते हैं। अगर आप किसी साथी खिलाड़ी को सपोर्ट कर पाते हैं तो यह भी लीडरशिप क्वालिटी है। बिहार में कल निकाला जाएगा ट्रैक्टर मार्च। बिहार में आने वाले दिनों में व्यापक स्तर पर विपक्षी दलों की तरफ से विरोध दिखने वाला है, जिसके तहत बिहार के ग्रामीण इलाकों में जिला प्रखंड मुख्यालय पर पार्टी और अखिल भारतीय किसान महासभा के संयुक्त बैनर तले कल ट्रैक्टर मार्च निकाला जाएगा। भाकपा माले राज्य सचिव कुणाल ने अपना बयान जारी किया है, जिसके तहत उन्होंने कहा है कि अरवल, पूर्वी चंपारण के छोड़ादानो, अररिया, मसौढ़ी, पालीगंज, बेगूसराय, बक्सर आदि जगहों पर मार्च निकालने की तैयारियां चल रही है। इस बाबत उन्होंने कहा है कि तीनों कृषि कानूनों रद्द करने, एमएसपी को कानूनी दर्जा देने, बिहार में एपीएमसी एक्ट पुनर्बहाल करने और प्रस्तावित बिजली बिल 2020 की वापसी की मांग पर 30 जनवरी को महागठबंधन के आह्वान पर मानव श्रृंखला बनाने की तैयारी पूरे जोर शोर से चल रही है। पेटीएम का शानदार ऑफर, गैस सिलेंडर बुकिंग पर 700 रुपए का मिलेगा कैशबैक। पेटीएम ने अपने यूजर्स को उनके गैस सिलेंडर की पहली बुकिंग पर 700 रुपए तक की छूट देने का जबरदस्त ऑफर दिया है। यह ऑफर 31 जनवरी तक ही वैलिड है। ऑफर का लाभ उठाने के लिए आपको फर्स्ट एलपीजी कोड लगाना होगा। ये ऑफर तभी काम करेगा जब आपकी बुकिंग 500 या उससे अधिक की होगी। कोड डालने के बाद यूजर्स सिलेंडर की बुकिंग के साथ ही कैशबैक की सुविधा पाएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है कि आपके अनुसार बिहार में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने की योजना सफल साबित हो पाएगी या नहीं। तो अभी तक के लिए इतना ही। देखते रहिए बिहारी न्यूज। तब तक के लिए नमस्कार।